कड़ोदरा पुलिस द्वारा राजस्थान में हिंदी युवक की कट्टरवादी मुस्लिमों द्वारा करवामां आवेली हत्या की घटना ना पड़गा न पड़े अने नगर में कौमी एकलास अने भाईचारो जळवाई रहे ते माटे शांति समिति की बैठक नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। कड़ोदरा पुलिस मथके डीवायएसपी भार्गव पंड्या की उपस्थिति में योजायेली शांति समिति की बैठक में पलसाणा तालुकाना 44 गामना हिंदू मुस्लिम समाजना अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता अने तमाम आगेवानोए कौमी एकता अने भाईचारो जळवाई रहे छे तेवी खातरी पुलिस ने आपी हती। प्रवर्तमान संजोगों में गई काल तारीख में जे उदयपुर खाते जे बनाव बन्यो ए कॉम्युनल वैमनस्य फैलावतो बनाव हतो अने शांति जे छे जोखमाय तेवी परिस्थिति मात्र राजस्थान नहीं पण समग्र भारत में उभी थाय तेवी परिस्थिति जोता जे वीडियो वायरल थयेला छे ए बधा संजोगों जोता गुजरात में खास करीने सूरत जिल्लाना जुदा जुदा विस्तारों में बे कॉम्युनल हार्मनी जवाय रहे बन्ने कॉमो वच्चे हिंदू और मुस्लिमों वच्चे अने अपकमिंग जे तेहवार छे भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा आवी रही छे तेमज 10मी तारीखे बकरीदनो तेहवार आव्यो छे अने बन्ने कमिटीना धार्मिक तेहवारो पण आवी रह्या छे अने आ जे बनाव बन्यो छे ए बनावना अनुसंधाने कोईपण जातना कोई खोटा संकेतो बन्ने कॉम वच्चे न फैलाय कोई मिसकॉन्सेप्ट उभा न थाय अने शांति जळवाई रहे वातावरण में कोई सामाजिक वातावरण में कोईपण जातनो खराब संदेश न पहुँचे अने तंत्र पोतानुं काम करशे एवो समाज ने भरोसा बेसे ए माटे थई अने शांति समितिना सभ्योनी हिंदू ने मुस्लिम समाजना विविध होद्देदारोनी आजरोज सूरत जिल्ला में अलग अलग पुलिस स्टेशन्स में मीटिंग्स योजवामां आवेल छे जे पैकी आजे अत्रे कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन खाते कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन विस्तारना तेमज पलसाणा पुलिस स्टेशन विस्तारना शांति समितिना सभ्यो अने पुलिस अधिकारी कर्मचारीओनी एक बैठक योजवा मीटिंग योजवामां आवी हती जेमां प्रवर्तमान संजोगोमां जे कोईपण बंने कॉम वच्चेना जे असहिष्णुता अने जे खोटा मेसेजिस फैलाई रह्या छे सोशियल मीडिया जे छे ए खोटा मेसेजिस फैलावीने बंने कॉमो वच्चे अशांति ऊभी करे छे आवा प्रकारना कोईपण मेसेजिस फैलाय नहीं अने आवा तत्वो जे छे एने तरत ज पुलिसने एनी जाण करवामां आवे अने बंने समाजना जे कोईपण प्रतिष्ठित नागरिको छे सेवाभावी संस्थाओ छे होद्देदारो छे ए समाजमां कौमी एकलासનું વાતાવરણ અને એક ધાર્મિક પરસ્પર સંયોગનું વાતાવરણ ઊભું કરે અને સમાજમાં શાંતિ અને સુરક્ષા તો જળવાઈ રહે।